Hello to all the normal people out there, what is going on? Welcome back to yet another video on this channel. What are you doing? So guys, aaj hum ja rahe hai Tibetan refugee market. I don't know so kaisa spell kar de Tibetan refugee market, but jo bhi hai ye jagah filhal demand mein chal rahi hai apne paas, kyunki Hyderabad mein had se zyada sardi badh gayi aur log ab wo seh nahi sak rahe hain. To wo market bahut purani market hai, usually log ja ke dekhte rehte wahan pe, magar abhi jo stocks hai wo bahut zyada zoro shoro se chal rahe hain kyunki Hyderabad mein sardi badhte reh rahi. December zyada sardi, January mein meri barish aisa ho gayi, to wohi ja ke dekhenge wo kaisa rehta hai. Kya rehta bhaiya iska? It's a 550 ladies. इसका क्या है भाई फिक्स रेट में कितना किसे बार्गेनिंग 1250 बताते हैं 800 में आया ये बताने का 1050 बताते 1050 बताते 600 तक आया थी तो इन लोगों में स्पेशल क्या रहता ये वाटरप्रूफ रहते हैं और वाटरप्रूफ रहते हैं और विंटर में काम आते और विंटर में काम में आते ये कितने का है बच्चों का एक साल दो साल के ये आपको 300 वैरायटी था उसके अंदर समझे कम आपको 200 पे चल रहा है 200 अलग अलग वैरायटी के अलग अलग प्राइसेस रहते हैं के अलग अलग ट्राइलेस है भाई चलो अपन टिबेटन रेफ्यूजीज मार्केट को जाके आ गए मगर अब सवाल ये पैदा हुआ कि टिबेटन रेफ्यूजी मार्केट आकर लगती कहां पे और लगती कई कू तो ये क्योंकि आप लोगों को भी समझ में आना आप लोग आखिर जा रहे कहां पे तो ये जो टिबेट के लोग हैं वो चाइना के करीब है वहां पे जब चाइना वाले कब्जा करके लोग हकाल दिए थे तो लोग आ गए थे नेपाल साइड ये साइड पूरा आ गए थे इंडिया इंडिया उसको जो है हिंदुस्तान उन लोगों को बना दिया था इंडिया तो इंडिया में वो लोग रह सकते मगर एज अ रेफ्यूजी अब ये रेफ्यूजीज का कैसा जीते लोग मतलब सिंपली मैं बोलना चाहूंगा कि इन लोगों को इन लोग प्रॉपर्टीज नहीं बना सकते बस इन लोग को जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे कारोबार करके वो लोग चले आ सकते फुटपाथ के ऊपर कारोबार कर सकते ये लोग स्टे कर सकते रेंटल प्लेसेस में स्टे कर सकते ये लोग इंडिया में प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिए इंडिया वाले क्योंकि वो टाइम पे लोग बस छत नहीं थी तो लोग को छत प्रोवाइड करे हर चीज़ प्रोवाइड करे लोगों को तो ऐसा रेफ्यूजी मार्केट का स्टार्टअप हुआ ये मेनली दिल्ली में मुंबई में भी लगती मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक सेकेंड ये है हैदराबाद की रेफ्यूजीज मार्केट ये है ऑल अराउंड इंडिया कितने मार्केट्स है एक्चुअली दिल्ली में भी है अपने को हैदराबाद में है ये एक हैदराबाद में है बहुत सारे है ये रेफ्यूजीज मार्केट है लोग को इसलिए बोलते हैं टिबेट रेफ्यूजी मार्केट सो गाइस ये है टिबेटियंस की स्टोरी एक्चुअल में और इन लोग के जो दुकाना है वो अलग अलग जगहों पे है जैसा कि आप देखिए अभी मैं आपके अंदर इंडिया में अलग अलग पार्ट्स के ऊपर लोगों की मार्केट लगती है ये टिबेटियन रेफ्यूजी मार्केट वुलन क्लोथ्स के लिए फेमस है वुलन हैंडमेड क्लोथ्स और मशीन मेड भी थोड़े बहुत तो इफ़ यू वांट टू चेक दिस आउट अभी तो इन लोग के दुकान ऑलमोस्ट टूट गए दो तीन बचे हुए दुकाना वो भी जो अभी जो और दो दुकाना है यहाँ पे हैदराबाद में अतराफ में जो दुकान है वो हैदराबादियों की दुकाना है मगर जब इन लोग लगाते वो न्यू स्टॉक रहता उन लोगों का और ये जो अभी हैदराबादी जो मैं अभी आपको दिखाया ये थोड़ा ओल्ड स्टॉक भी रहता मिक्स प्लस न्यू स्टॉक रहता बट जेन्यूनली उन लोग के पास अभी पूरा न्यू स्टॉक जब वो लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे वो फिर वो लोग विंटर्स में नेक्स्ट टाइम आते और आके पूरा एक जगह से माल ले लेके आके डालते दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड इफ यू डिड सो मेक श्योर यू गिव इट अ लाइक राइट देयर एंड ऑल्सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब देयर टर्न द नोटिफिकेशन बेल ऑन एंड गाइज आई वुड लाइक टू ऑल्सो एड्रेस वन थिंग दैट
This channel is a multi-content channel and there is a lot more to be coming on this channel. So make sure you stay subscribed. Be the change. Be indomitable. Bye-bye. Take care.